कॉल रिकनेक्ट हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आप बोले, आपकी आवाज कट रही है, आप किधर से याद हो? जी भाईजान, अभी मैं दवाई लेने आ रहा हूँ, आ जाऊँ? अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? ठीक हो? तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ता वगैरह बना लिया है, बच्चों को करा दिया है, बेटी को सामान वगैरह दिला दिया है, दही वगैरह। काफी दिनों से कह रही कि कड़ी बनानी है, उसका अब्बू ने उसको कड़ी पत्ता ला के दिया था फ्रिज में रखा, तो आज कह रही कड़ी बनाऊंगी क्योंकि कड़ी पत्ता जो है खराब हो जाएगा। तो अभी चलती हूँ काम पे, और प्लीज हमारी वीडियो पूरी देखा करें, आगे लिंक शेयर कर दिया करें, जो हमारा कल वाला ब्लॉग नहीं देखा हो वो आज ब्लॉग भी देख ले। बेटा मैं काम करके आ रही हूँ, सही है? बात तो मैं दीदी करते ना, फिर क्या खाओगे? बोल दे केला खाना है, गाड़ी चाहिए, नींद आ गई है, तुम्हारे कपड़े भी नहीं लिए, तुम्हारे चप्पल भी नहीं लिए, यही बनाए पहनोगे? ना चप्पल आए ना बनाए, नहीं क्या पहनोगे? ये तो 8-10 दिन रहेगी, नहीं क्या कह रहे खत्म होने वाला है, 10वें दिन तो ईद होगी। अभी अम्मी जा रही है काम पे, हम दरवाजा वगैरह बंद कर लेते हैं। तो आज हम बना रहे हैं कड़ी, काफी टाइम हो गया, अब उसे कह रही हूँ कड़ी पत्ता ले आओ ले आओ। खैर दूसरा दिन है, कड़ी पत्ता ले आए हैं। तो आज जो है ना मौसम काफी ज्यादा अच्छा है, वैसे तो 2 दिन से मौसम अच्छा है। ये हो गया जीरा, ये हो गया मिक्स गरम मसाला, ये लहसुन हो गया, ये गोल साबित मिर्च हो गई, ये दही हो गई, और ये जो हो गया बेसन। दही जो है ना बिल्कुल ही कम थी, 50 की थी, तो ये मैंने अम्मी की जो लस्सी वाली थी वो मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी हम लस्सी नहीं बनाते हैं क्योंकि इतने वसाइल तो हैं नहीं ज़्यादा दही इसमें डाल सकें, तो मैंने रात को लस्सी नहीं बनाई थी, तो लस्सी वाली दही भी अभी मैं फ़िलहाल इस कड़ी में डालूँगी। तो ये रहा बेसन, ये बचा हुआ है रमज़ान में था, तो अभी हम बनाते हैं कड़ी। लहसुन मैंने यहाँ पे छील लिया है, अभी हम इसको कूट लेते हैं। इसको मैंने कूट लिया है, इस वाले तपीले में कड़ी बनाऊंगी, तो इस वाली डेगची में जो है ना हम दही और बेसन जो है ना फेंट लेंगे अच्छे से। गांव में तो हमारी अपनी खुद की गाय होती थी, इतनी ज़्यादा दही होती थी कि हमारी जो कड़ी है ना इतनी मज़े की बनती थी, और मैं गाँव में अक्सर ही बनाती थी, लेकिन जब से कराची में आई हूँ तकरीबन 8 महीने हो गए हैं, मैंने एक दफ़ा भी नहीं बनाई। ये वाले 2 चम्मच हम डाल देंगे क्योंकि ज़्यादा अगर बेसन डालेंगे तो फिर जो है ना गाढ़ी हो जाएगी। ये देखें इसको मैंने अच्छे से यहाँ पे फेंट लिया है, ये देखें बिल्कुल भी इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह नहीं बनी हैं। मेरा कड़ी बनाने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है, तो अभी हम इसके अंदर मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं जो है ना गर्म मसाला और लहसुन जो है ना अच्छे से भून रही हूँ ताकि इसकी जो है ना खुशबू आ जाए, और ये ऑयल जो है ना मैंने उठाया रमज़ान वाला, ये थोड़ा बहुत रह गया पकौड़ों के लिए काम आ जाएगा क्योंकि रमज़ान में कभी कभार पकोड़े बना लेते थे तो ऑयल वगैरह बच गया था, तो मैंने सोचा था इसकी जो है ना मैं कड़ी बनाऊंगी। इसके अंदर पानी डाल रहे हैं, ये देखिए ये अच्छे से मैंने भून लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दही वगैरह और बेसन का जो वो पेस्ट बनाया था वो हम इसमें भी डाल देते हैं। अभी हम इसमें मज़ीद पानी डालते हैं, पानी मैंने डाल दिया क्योंकि ये जो है ना सारा दिन पकती है, तो इसको अच्छे से पकाओ तभी मज़े बनती है। अभी हम इसमें डाल देते हैं मसाले वगैरह, ये हो गया 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच मैं इसमें लाल मिर्ची डालूंगी ताकि थोड़ी सी चटपटी बने, और 1 चम्मच हल्दी, क्योंकि हल्दी तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हल्दी के बगैर कड़ी का जो कलर है बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। अब हमारे सारे प्रोसेस हो चुके हैं कंप्लीट, अब ये शाम को जाके बनाएंगे तब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। 12 दिन के पकने के बाद जो है ना ये हमारी कड़ी यहाँ पे बिल्कुल ही हो चुकी है तैयार। यहाँ पे मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है और वो रखा हुआ है कड़ी पत्ता, और यहाँ पे मैंने पकौड़ों के लिए बेसन वगैरह भी तैयार कर ली है, अभी हम बनाते हैं इसके पकौड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सारा दिन मैंने मेहनत की है, एक तरफ़ से काम पे और एक तरफ से मैंने हल्की आंच पे कड़ी को भी तैयार होने के लिए, जो मुझे ये डर था कहीं मेरी पीछे से कड़ी ना जल जाए, लेकिन खैर जली नहीं है। आई होप जितनी मेहनत हुई है उससे 10 गुना अच्छी बनेगी मेरी कड़ी।
काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस भी थोड़ा बहुत सा कम हो गया था, तो मैंने फिर यूट्यूब पे वीडियो देखी, वहाँ से फिर मैंने देख के मज़ीद इसको बनाया। यहाँ पे मैं प्याज ब्राउन कर रही हूँ, क्योंकि प्याज जो है ना ऊपर से डालो तो क्रिस्पी लगते हैं बहुत ज़्यादा मज़े के। और दूसरी दफ़ा भी मैंने यहाँ पे कढ़ाई में पकौड़े डाल दिए हैं, और यहाँ पे मैंने कढ़ी के अंदर भी पकौड़े ऐड कर दिए हैं। और फाइनली मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, ये देखें मेरी मज़ेदार किस्म की कढ़ी जो है ना हो चुकी है तैयार, आप लोग देख सकते हो। मैंने आप लोगों के साथ मुकम्मल शेयर नहीं किया, क्योंकि एक तो कैमरामैन कोई नहीं था और मैं कढ़ी बना रही थी और मुझे काम पे जाना है, इस वजह से फिर मुझे लेट हो जाता। लेकिन खैर मेरी कढ़ी बन गई है, अब सब खाएंगे खाना वगैरह, फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि भाई हमारी कढ़ी कैसी बनी है। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है, क्योंकि मैंने खुद ही बनाई है, तो अपनी तारीफ मैं खुद ही कर रही हूँ। आज आपको काम से भी देर हो गई? आज काफी देर हो गई है, 5:30 बज रहे हैं। हाँ। तो तुम्हारा अबू आ गया काम से? अबू 12 बजे के आए हुए हैं। काम नहीं किया? मुझे क्या पता, चलो उससे जाके पूछती हूँ। फयाज काम करके आ गए? फयाज काम कर लिया है? नहीं यार, थोड़ा काम किया है, तबीयत खराब हो गई, तो काम जो है ना छोड़ के आ गया, तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अब तो पता है जब से गांव से आए हैं वीकनेस बहुत ज्यादा हो रही है, पता नहीं पहले भी जिगर की ताकत की दवाइयां 3-4 महीने से मुसलसल खा रहा हूँ ना जी, तो मतलब कि ताकत होती है काम करने की, वरना नहीं होती है। मेरा क्या करूँ, बहुत परेशानी में हूँ। आपको पता है प्रॉपर जिगर का इलाज वगैरह तो नहीं हो रहा ना परवीन, प्रॉपर तो तुम्हारी गोली भी आखिरी थी ना? हाँ गोली तो आखिरी थी, तो मैं तनख्वाह लेके आई हूँ, तो दवाई ले आई जिगर की। परवीन फिर महीना कैसे चलेगा यार? 2000 तनख्वाह मिली, तो महीना कैसे चलेगा, क्या करें? दवाई मैं खा लूं, आपका कोर्स टूट जाएगा ना, 2 साल तो हो गए, 2 साल से ज्यादा हो गया, टूट जाएगा ना। अब ये खर्च कर लो, अभी गैस का बिल नहीं दिया, बिजली का बिल नहीं दिया, तो किस तरह महीना चलेगा? ये मेरी तनख्वाह 1000 में तो अभी तो पता नहीं क्या तारीख है, 3-4-5-5 तो पूरे 25 दिन पड़े। बस चले, तुम्हारा अभी दवा ले, नहीं तो उसका कोर्स टूट जाएगा। 2400 रुपए की तो परवीन दवाई आ जाएगी। हाँ, और 60 रुपए किराया भी लगेगा ना? ना, नहीं दवाई नहीं खाए तो कोर्स टूट जाएगा ना मेरा, 2.5 साल तो होने वाले हैं ना, पता ही है, याद भी है कि 2 साल हो गए, 3 हो गए, कितनी 3 हो गए, तो फिर ऐसे कैसे गुजारा होगा, कैसे चलेगा? आप हम लोग किधर थे तो दवाई खा रहे थे, 1 साल तो हम लोग कराची में लगा, गांव में लगा के आए हैं, अब इधर आपको पता है आप 8-9 महीने हो गए, हाँ 8-9 महीने 3 साल मतलब होने वाले, याद फिर भी जिस दिन से आपने दवाई खाई थी ना कॉपी पे ना लिख के रखा जाएगी, तो मैं तो अनपढ़ हूँ। मैंने समझा डॉक्टर ने तारीख जो है ना लिख के दी होगी, मतलब डॉक्टर ने तारीख तो मेरी तबीयत परवीन अंदर अंदर से बहुत खराब है, बिल्कुल हिम्मत नहीं है, थकावट बहुत ज्यादा, तो फिर आपके पूरे टेस्ट होंगे तो पता चलेगा ना। हाँ पता नहीं क्यों नहीं जिगर ताकत बता रहा, पहले आपको पता है मैं काफी सारा काम भी करता था फिर भी ठीक रहता, अब चलता हूँ मेरे बिल्कुल काम में ताकत नहीं है, कल इसीलिए डॉक्टर ने जो है इंजेक्शन वगैरह भी लगाए हैं, दवाइयाँ भी दी है, सर पर ब्लड भी दी है, दिमाग थोड़ा बहुत तो फर्क है, लेकिन अभी भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं मतलब कि कोई काम डालू, रक्षा वगैरह चला रहा, थोड़ी सी गर्मी होती है तो यकीन करो घबराहट शुरू हो जाती है, ऐसा लगता है दम घुटता है, और आपको तो कल सारी रात दिन सारा नींद की है, रात सारी नींद की है, इतनी तबीयत खराब, आराम भी हो रहा था तो आराम को आपने कहा उठा लो, मेरे अंदर हिम्मत बिल्कुल नहीं। भाई इसको हर वक्त पैसे दे, बस कितनी नहीं मिलेगा, हर वक्त इसको बस पे जाने की पड़ी होती है, 10 रुपए है बस जाता है, बस वाला 10 रुपए लेगा, तो भी तो हिम्मत पकड़ो, जिगर की दवाई तो ले आओ, नहीं तो आपका कोर्स टूट जाएगा। आज एक गोली थी ना जो आपने खाई सुबह,
वो तो एक किलो प्रवीण पे मैं ये सोच रहा हूं ये अभी दवाइयों में लगा दूं तो महीना कैसे तो दवाई तो खानी है ना पहला फूल टूट जाएगा किस से सब्जी वगैरह नहीं आएगी तो क्या मिर्च से रोटी खाओगी इधर से उधर इधर से करना तो है अभी तक बच्चों के कोर्स भी नहीं आए तो बच्चों के तो कोर्स भी आने वाली है ना चप्पलें हैं ना कोई मतलब बहुत अपना कपड़े वगैरह तो धो जाएगी चप्पलें हैं तो धो जाएगी आपकी दवाई तो लाजमी है पर मैं दवाई खाने का भी कोई फायदा नहीं हो रहा कोई टेस्ट वगैरह कोई हो तो इंसान को टेस्ट वगैरह हो तो इंसान को पता चलेगा कि भी अंदर अंदर से क्या हो रहा है क्योंकि 2014 में जब मेरे जिधर का इलाज हुआ था उस टाइम पे टेस्ट वगैरह होते थे अब मेरे तकरीबन 3 साल हो गए हैं पता नहीं 3 से 2.5 साल हो गए हैं उसके दरमियान के अंदर कोई टेस्ट आपको फर्क पड़ना चाहिए था दवाई खाते फर्क बिल्कुल नहीं पड़ा 3 साल होने वाले हैं तो दवाई खा रहे हैं लेकिन हर दिन कह रहे कि मेरी तबीयत जो है डाउन की डॉन पे जा रही है तुम्हारे सामने है जी बैठो बेटा बेटा बैठ जाओ मैं थकी हुई हूं अस्सलाम वालेकुम भाईजान कॉल डिस्कनेक्ट हो गई अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान अभी मैं दवाई लेने आ रहा हूँ आ जाऊँ चले आप आ गए एक्चुअली कम है चलो ठीक है ठीक है ओके तो अभी जो है ना हिम्मत पकड़ के जा रहा हूँ दवाई वगैरह लेने के लिए अल्लाह करे दवाई वगैरह भी मिल जाए और दवाई नहीं मिलेगी तो मेरा कोर्स भी टूट जाएगा अभी कंपनी वाले से रابطہ भी नहीं किया तो कंपनी वाले से रابطہ भी करता हूँ उसी के साथ मैं आप सब लोग पे चाहूँगा जाओ कल मेरे को नेक्स्ट व्लॉग में अल्लाह हाफिज़